Hello students, today we will discuss 10.3 class plus 2 vectors algebra. तो 10 sum तक हमने कर लिए थे, now 11 sum. Show that 11 sum है क्या? Show that a vector, magnitude of a, b vector plus magnitude of b, a vector is a perpendicular to a b vector minus b and a vector. ये vector जो है this is perpendicular to this. For any two non-zero vectors a and b non-zero vectors है और ये हमने show करना है कि this is perpendicular to this है ना. अब मान लो मैंने इसको P मान लिया, लेट सपोज दिस इज अ P, ये वेक्टर क्या है P और दिस इज व्हाट Q, है ना, परपेंडिकुलर होंगे. अब परपेंडिकुलर कब होते हैं ये? अगर इफ दे आर परपेंडिकुलर तो देन व्हाट विल बी देयर, इफ दे आर परपेंडिकुलर तो व्हाट वी कैन से दैट. थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा ये कैमरा, थोड़ा मुझे एक मिनट, बस अब ठीक है. तो व्हाट व्हेन दे आर बोथ आर परपेंडिकुलर है ना, तो क्या होता है परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट जीरो, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू जीरो. तो ये लिख लो पी की जगह पे, ये व्हाट इज देयर, ए वेक्टर बी प्लस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट डॉट क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए, ये हो जाएगा. अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ए इसका तो देखो स्केयर होएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, प्लस फिर ये इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, बी ए बाद में लिख लो बी वेक्टर डॉट ए, ठीक है, प्लस फिर ये इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी ए वेक्टर ए बी वेक्टर, ठीक है, ये आ गया. अब इसको ऐसे लिख लो ना, यहां पे मैं ये लिख देता हूं बी ए, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, फिर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और ए डॉट ए, ठीक है, ये हो गया. अब देखो इधर ये प्रॉपर्टी हमें पता है बी डॉट बी क्या होती है, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, ये देखो ये दोनों, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था हमने, ये माइनस में आएगा ना, यहां पे क्या आएगा, जब इसको इसके साथ करोगे तो व्हाट विल बिकम हियर माइनस, सॉरी इसको इसके साथ किया तो ये आ जाएगा, जब इसको इसके साथ करोगे तो यहां माइनस आना था, व्हाट विल बिकम हियर माइनस, ठीक है, इसको इसके साथ करोगे तो प्लस, फिर वहां पे माइनस आ गया. अब देखो ये ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, सीधी सी बात है ना, और ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल. तो ये प्लस क्या है, ये माइनस का, ये तो ऐसे कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है. सो नाउ व्हाट विल बी देयर, माइनस बी, वहां पे क्या आ गया, माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये ए डॉट ए क्या होता है ना, ये आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर. अब ये भी सेम ही आ गया, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर, तो दिस इज इक्वल टू जीरो. तो ये जीरो आ गया बस, ये है ना, ये था बस 11 सम. तो इसका मतलब पी और क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, यही तो शो करना था, ठीक है ना. दिस ओनली वी हैव टू शो कि दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, तो ये आ गया, ये परपेंडिकुलर है, जीरो आ गया प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है. सो नाउ 12th सम विल स्टार्ट. 12th भी बहुत आसान सा सवाल है, देखो इधर क्या है 12th. इफ ए डॉट ए, इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी. तो ये बताओ कि बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं ना. ए डॉट ए जीरो का मतलब तो क्या हो गया, ए वेक्टर इज व्हाट जीरो,
क्योंकि ए डॉट ए परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं होगा ए के ऊपर ए परपेंडिकुलर हो आपस में वो, है ना। तो ये तो ए एक ही वेक्टर है ना, और ए डॉट ए इक्वल टू क्या है जीरो, तो इट मीन्स ए क्या है जीरो है, इट मीन्स ए इज वेक्टर जीरो। अब यहां पे ये क्या आ गया ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ ए जीरो था इसीलिए बी को ये जीरो बना रहा है। ए क्या था जीरो था क्योंकि ए यहां पे क्या है जीरो, यहां से तो हमें पता चल रहा है ना ए डॉट ए क्या है जीरो है, ए क्या है जीरो है यहां पे, तो इसका मतलब ए डॉट बी जीरो तभी आ रहा है अगर ए जीरो है, है ना। तो बी क्या है बी, बी के बारे में आप क्या सकते हो बी कैन बी एनी वेक्टर, बी कैन बी एनी वेक्टर, ये तो एनी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बी कैन बी एनी जीरो भी हो सकता है ये बी, नो प्रॉब्लम है ना, इस बात का भी ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है जी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है जीरो, बी कैन बी एनी वेक्टर है ना, बस ये इसका आंसर है। क्या है ए जीरो था, ए यहां से मुझे पता चल गया कि ए जीरो है, तो यहां से ए जीरो है तो ए डॉट बी तो मतलब ए ही है जो बी को जीरो बना रहा है, तो बी कैन बी एनी वेक्टर है ना। ये था हमारा 12th सम, ठीक है। नाउ 13 देखो, 13 दो तीन मेथड से हो जाएगा लेकिन हम एक सिंपल सा मेथड करेंगे, देखो ध्यान से है क्या। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, सबसे पहले तो ये देखो ए बी सी क्या है यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट वन, क्योंकि ए बी सी क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर ही वही होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो वन हो, है ना। तो नाउ वेक्टर सच डेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको फाइंड आउट इट्स वैल्यू, ठीक है। तब क्या करोगे, ये देखो यार जो गिवन वाले ऐसे सम होते हैं ना, ये जो दिया होता है उसको लो, मेथड बहुत सारे हैं, आप इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर बी के साथ फिर सी के साथ फिर ऐड कर दो तब भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक ये सिंपल सा है कि इसका स्केलिंग कर दो, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, ए प्लस सी प्लस स्केलिंग ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट, डॉट आ गया यहां पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले देखो ए डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा बी प्लस बी डॉट ए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये आ गया बी ए बी 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 सी ऐसे ही प्लस, फिर क्या आ जाएगा सी को करोगे तो सी डॉट ए आ जाएगा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ए डॉट ए ये क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपको आती है, प्लस ए डॉट बी और ए डॉट बी एक और है यहाँ पे बी डॉट ए होगा ना, ये ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये हमें पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये कम्यूटेटिव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा टू ए डॉट बी आ गया, प्लस फिर ए डॉट सी सी डॉट ए भी होगा, तो ये क्या हो गया टू ए डॉट सी, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने ये लिखना है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये होता है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो प्लस ये क्या हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस फिर बीसी, बीसी भी दो होंगे ना, ये रहा सी भी, तो टू बी डॉट सी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। अब देखो ध्यान से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या है वन, वन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है वन, तो यहां पे मैं वन लिख दूंगा, वन प्लस ये टू कॉमन निकाल दिया, चलो ऐसे लिख लो एक बार ए डॉट बी प्लस टू ए डॉट सी प्लस वन प्लस टू बी डॉट सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये वन पता चल गया ना आपको, क्यों लिखा मैंने ये, इनका मैग्नीट्यूड क्या है वन, वन का स्केयर क्या होगा वन, अब वन प्लस टू हो गया तो इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस थ्री, उधर जाके क्या हो गया माइनस थ्री,
तो इधर क्या हो गया, टू कॉमन निकाल दिया, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए बी बी सी ए सी ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, या इसको सी डॉट ए लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस थ्री बाय टू आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई इसकी ना 13 की। आंसर जरूर चेक कर लेना इसका, क्या आंसर आएगा ये आप चेक कर लो जरूर। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, ये पता चल गया आपको माइनस थ्री बाय टू आंसर आना इसका, आंसर जरूर चेक कर लेना ठीक है। नाउ 14 सम, ये दिखाई तो दे रहा था नीचे से, नाउ सी 14 सम, 14 देखते हैं क्या है, ध्यान से पढ़ो आप 14 सम देखो, बहुत अच्छे सवाल है ना, तो 14 सम देखो जरा। इफ आइदर वेक्टर ए जीरो और बी जीरो, देखो ये क्या कह रहा है ध्यान से देखना, ए जीरो और बी जीरो ठीक है, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। वो ये कह रहा है अगर ए और ए या बी, ए जीरो है या बी जीरो है, तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, उसने ये कहा ए जीरो है या बी जीरो है तो ए डॉट बी जीरो होगा, पता ही है, दैट श्योर है, ए जीरो है या बी जीरो है, तो यहां पे ए डॉट जीरो करोगे तो भी जीरो आएगा, बी डॉट जीरो करोगे तब भी जीरो आएगा। अब बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, करा बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स का मतलब देखो क्या होता है, उसने ये बोला ए जीरो है और बी जीरो है तो ए डॉट बी जीरो होगा। अब हम उल्टा चलेंगे क्या, अब इसका कन्वर्स देखो, कन्वर्स में क्या होता है, जब हम छोटी क्लासों में करते हैं गिवन, मान लो गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू क्या है एंगल बी, दिस इज गिवन है, और टू प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मान लो ये करना है, तो कन्वर्स का मतलब क्या हो जाता है, कन्वर्स का, अब ये देखो ये गिवन मान लो कि ये गिवन है ये टू प्रूफ है ठीक है, तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, अब ये गिवन हो जाएगा दिस इज व्हाट, यहां पे ये क्या आ जाएगा गिवन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा टू प्रूफ हो जाएगा, ये होता है गिवन टू प्रूफ बन जाता है, टू प्रूफ गिवन बन जाता है कन्वर्स में है ना। अब उसने ये मान लो ये क्या दे दिया हमें, वो कहता है अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो ए डॉट बी जीरो होगा। अब वो ये कह रहा है ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी, देखो ए जीरो है या बी जीरो है तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, ये बात क्लियर होगी। अब हमें ये दिखाना है कि ए डॉट बी, ए डॉट बी अगर जीरो है, अगर ए डॉट बी क्या है जीरो है, तो मे बी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, पर ये जरूरी नहीं है। फिर देखो पहले उसने बोला अगर ए जीरो है बी जीरो है तो ए डॉट बी जीरो होगा, अब हमने ये करके दिखाना है अगर ए डॉट बी जीरो है तो इट इज नॉट, कन्वर्स बोला है ना उसने, अगर ये पहले उसने बोला कि ये जीरो है तो ये जीरो होगा, अब मैंने बोला अगर ये जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ये भी जीरो होगा, कन्वर्स इज नॉट नीड टू बी ट्रू। तो अब ए डॉट बी जीरो होगा, कैसे होगा, अगर ए परपेंडिकुलर क्या है बी है, ए क्या है परपेंडिकुलर टू बी है, तो ए डॉट बी क्या होगा जीरो। अब मैंने एक ऐसा वेक्टर लिखना है, यहां पे एक एग्जांपल दो आप, देखो यहां पे मैंने मान लो लिख दिया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये लिख दिया। अब मैं यहां पे बी एक वेक्टर ऐसा लिखूं जिसकी इसके साथ प्रोडक्ट भी होगी वो जीरो आए, वो क्या आए जीरो आए। देखो कैसे, अगर मैं यहां पे आई डॉट कर दू है ना, वन वन सा वन आ जाएगा यहां पे वन है ना, ये क्या आ जाएगा यहां पे क्या लिख दू मैं थ्री थ्री सा, यहां पे मान लो मैंने टू लिख दिया, टू वन सा क्या आ जाएगा टू ठीक है, फिर यहां पे मैंने लिख दिया ये थ्री जे कैप, तो थ्री टू सा क्या आ जाएगा सिक्स। अब यहां पे मैं क्या कर दू माइनस टू के कैप कर दू यार, ये टू के कैप क्यों करूंगा, अगर मैं यहां पे क्या कर दू फोर कर दू, फिर फोर यहां पे क्या आ जाएगा टू वन सा टू, टू थ्री सा सिक्स है ना, और फोर टू सा क्या हो जाएगा एट हो जाएगा। देखो ना ध्यान से, अब मैंने आई कैप टू जे कैप फोर के कैप कर दिया, अब यहां पे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप कर दिया, अब ए डॉट बी करोगे जब ए डॉट बी तो क्या ये जीरो आएगा, ये देखो ए डॉट बी टू वन सा टू थ्री टू सा सिक्स टू फोर सा एट माइनस एट आ गया, तो ये क्या आ गया जीरो आ गया,
ठीक है ना, a डॉट b जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट b तो यहां पे क्या है, जीरो है, बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आप कैसे भी बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हो कितनी भी, लेकिन a डॉट b क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहां पे a डॉट b तो जीरो है, ये देखो a डॉट b करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया कन्वर्सन, ठीक है, बात समझाई, a जीरो b जीरो तो a डॉट b जीरो होगा। अब a डॉट b जीरो है बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल हमने आपको दिखा दिया ना, ये था हमारा 14 सम, दिस वाज व्हाट अ 14 सम। अब करते हैं हम 15 सम, है ना, नाउ सी 15 सम, 15 देखो ध्यान से, 15 में क्या है, 15 सम देखते हैं, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल, वर्टिसेस, वर्टिसेस ए बी सी, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर दिस, तो मैं यही कैसे लिख लेता हूं यार, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है -1, 0, 0, सी क्या है 0, 1, 2, 0, 1 and 2, ठीक है, रिस्पेक्टली फाइंड द एंगल ए बी सी, फाइंड एंगल ए बी सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल ए बी सी, द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए एंड बी सी, वेक्टर बिटवीन द बी ए एंड बी सी, ये है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं किसके, ट्रायंगल के, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल आर दिस, है ना, अगर हमने यहां पे एबीसी लिख दिया से, लेट अस सपोज ये ट्रायंगल है एबीसी, ए, ए के वर्टिसेस क्या है 1 2 3, उसके बाद बी क्या है, यहां पे बी लिख दिया मैंने -1, 0, 0, सी यहां पे क्या है 0, 1, 2, ये इसके वर्टिसेस है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए बी सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो वेरी सिंपल, ये वेक्टर हो गया एक, ये वेक्टर हो गया, पहले वेक्टर ए बी निकालो, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी क्या होगा, आपको पता है x2 - x1, आई कैप प्लस y2 - y1, जे कैप प्लस z2 - z1, के कैप, ये हो जाएगा। अब ए बी आई को x2 मान लो, -1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी, अच्छा ए बी सी है ना, ए बी सी एंगल तो यही बनेगा, अगर बी ए, उसने ये बोला है ना, अगर आपको ये लगता है कि हमें तो बी ए निकालना है, तो आप पहले बी ए भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, बी ए वहां पे बोला है ना उसने, द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए एंड बी सी, बी ए निकाल लो आप, बी ए निकालोगे तो ये इसको क्या करोगे, बी ए, बी ए है ना, बी टू ए, ए वाला आप क्या लोगे, बी ए, ए वाला एक्स टू ले लेना है ना, एक्स टू, ठीक है, ए वाला क्या ले लोगे, एक्स टू, 1 - 1 + 1 हो जाएगा ये, देखो यहां पे पुट करोगे ना, ये एक्स टू ले लेना, x2 1 - 1 तो +1 हो जाएगा, 1 ये +1 हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए ना, x2 - x1, बस मैं ये बता रहा हूं, b के वेक्टर जो आपने लेने हैं वो क्या लेने हैं, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 है, तो x2 वो है, तो 1 - 1 + 2 हो जाएगा 2 i कैप प्लस y2 वो है ना, ba y2 2 - 0 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये आ गया, ये क्या आ गया, बी ए वैक्टर, उसके बाद बी सी निकालो, बी सी वैक्टर, बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी तो फिर वही लगा लो ना, 0 - 1 1 आ जाएगा, 0 - 1 + 1 आ जाएगा आई कैप, है ना। अब इसको x2 y2 मानना है, x2 y2, 1 - 1 आ जाएगा, 1 j कैप आ गया, फिर 2 k कैप आ गया, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बी ए का, बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ 2 का स्केयर 4 + 2 का स्केयर 4 + 3 का स्केयर 9, तो ये क्या हो गया, √17 हो गया जी, ठीक है। अब बीसी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, बीसी का मैग्नीट्यूड, बीसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 का स्केयर 1
प्लस वन प्लस टू का स्क्वायर फोर, तो अंडर रूट क्या हो गया, सिक्स हो गया। अब हमने ये निकालना ना, अब ये देखो ये वेक्टर आ गया मेरे पास, ये बी ए, और एंगल निकालना है तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है, ये ए बी था ये सी था, तो ये एंगल बिटवीन द टू लाइन हमने पढ़ा है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, देयर डॉट प्रोडक्ट है ना, ऐसे करते हैं हम ए बी, ए बी डॉट बी सी, बी ए लिखो ना यहां पे, बी ए लिख दो, बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा एंगल ही निकालना है ये, है ना, ये एंगल ही निकालना है, थीटा एंगल ही है, मान लो यहां पे क्या है एंगल थीटा, तो बी ए डॉट बी सी। अब यही पे मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर दू, डॉट प्रोडक्ट टू वन सा क्या हो जाएगा, टू टू वन सा टू, थ्री टू सा सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू बी ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट सेवनटीन इंटू अंडर रूट सिक्स कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टू टेन, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा वन हंड्रेड टू इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा क्या आ गया यहां पे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टेन बाय अंडर रूट वन हंड्रेड टू, ये आ गया ना, यही एंगल था ना, ये एंगल ए बी सी आ गया इसके बीच में ना, तो चेक कर लेना कोई ये खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, है ना, ये आप कर लोगे आसानी से ना, ये था ठीक है, तो होगा आपको ये समझ आ रहा होगा ये, ठीक है, तो ये वर्टिसेस दिए हुए थे एबीसी, तो हमने ये वेक्टर निकाला, ए बी वेक्टर है ना, बीसी वेक्टर निकाला, फिर उसमें डॉट प्रोडक्ट कर दी बस, और नाउ सी सिक्सटीन सम, सिक्सटीन सम करते हैं अब हम, सिक्सटीन भी ऐसे ही है कुछ आप खुद करोगे, मैं सिर्फ यहां पे थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको सिक्सटीन क्वेश्चन का, सिक्सटीन देखिए क्या है, शो डैट द पॉइंट्स दिस दिस आर कोलिनियर, देखो शो डैट द पॉइंट्स, ए पॉइंट है, ये कौन सा सवाल है 16, ए क्या है वन टू एंड थ्री सेवन सॉरी, बी क्या है टू सिक्स एंड थ्री, सी क्या है थ्री टेन एंड माइनस वन, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, हमें ये शो करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये तीन पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर शो करने हैं हमने, ठीक है, तो कुछ नहीं है इसके लिए, आप क्या निकालो ए बी वेक्टर निकालोगे, ये होता है ना ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, अगर ए सी आ जाए इनका मैग्नीट्यूड, इनका क्या मैग्नीट्यूड, ए बी बी सी और ए सी के इक्वल अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा, ये हमने पढ़ाया ए बी बी सी प्लस सी ए। अब पहले ए बी वेक्टर निकालना है भैया, पहले क्या निकालना है ए बी वेक्टर, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, वही एक्स टू माइनस एक्स वन वाला लेके ना, मान लो ये पॉइंट है ना ए, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट क्या है बी और यहाँ पे पॉइंट क्या है सी, ये है ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे है, इसके इसके दे रखे है, पहले ए बी वेक्टर निकालो फिर बी सी वेक्टर निकालो फिर ए सी वेक्टर निकालो, तो फिर उसमें उसका मैग्नीट्यूड का ये होना चाहिए ना, जब देखो शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, जब ए बी वेक्टर निकालूंगा तो टू माइनस वन वन आई कैप आ जाएगा, प्लस सिक्स माइनस टू फोर जे कैप आ जाएगा, प्लस थ्री माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस टू थ्री माइनस सेवन माइनस फोर के कैप आ जाएगा, एक जे वेक्टर आ जाएगा ए बी, फिर बी सी क्या आएगा थ्री माइनस टू आई कैप टेन माइनस सिक्स फोर जे कैप माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर के कैप, हाँ एक ये आ जाएगा, फिर ए सी क्या आएगा ए टू सी थ्री माइनस वन टू आई कैप टेन माइनस टू, ये समझ आ रही है ना आपको, ये ए बी वेक्टर निकालना मैं एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वाई टू माइनस वाई वन जे कैप जेड टू माइनस जेड वन के कैप, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ आप पूरा लिख के करोगे ठीक है, ए सी आएगा थ्री माइनस वन टेन माइनस टू एट टेन माइनस टू प्लस एट जे कैप माइनस वन माइनस सेवन माइनस एट के कैप, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ये क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट वन प्लस फोर फोर दा सिक्सटीन प्लस फोर फोर दा सिक्सटीन, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट थर्टी थ्री, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से,
ये क्या आ जाएगा अंडरूट 33, ये भी यही आ जाएगा क्योंकि 144 है, 144 है, ये भी अंडरूट 33 आ जाएगा। कैलकुलेशन में कोई माइनस प्लस में होगा तो अपने आप प्रैक्ट कर लेना, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, देखो ये भी अंडरूट 3 आ गया, ये देखो ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64 प्लस 64, ठीक है, ये बन गया जी, ये बन जाएगा 64 और 64 4 4 8 132 132 आ जाएगा। अब ये होगा एबी का मैग्नीट्यूड अंडरूट 33, ये देखो अब अंडरूट 33 प्लस अंडरूट 33 इज इक्वल टू अंडरूट 132। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, इसके ना फैक्टर्स बना के देख लो, 132 2 6 12 2 6 12 2 3 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे जी भैया क्या आगे 2 × 2 × 33, ये आ गया, तो ये बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 अंडरूट क्या आ गया 33 आ गया, तो 1 + 1 2 √33 आ गया, तो एबी प्लस बीसी इज इक्वल टू एसी आ गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, इट मीन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ठीक है, ये था ये हमारा 16 सम, समझ आया होगा ना आपको। ये वेक्टर निकाल दिए पहले मैंने एबी फिर बीसी फिर एसी, ठीक है। अब देखते हैं 17 सम, 17 भी कुछ ऐसा ही है, देखो इधर 17 में एक बात ध्यान से समझने वाली है कि ये है क्या, देखो इधर शोड एट द वेक्टर्स, वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स है, देखो ये 2i cap minus j cap plus k cap and i cap minus 3j cap minus 5k cap and 3i cap minus 4j cap minus 4k cap, ये तीन वेक्टर्स दिए हुए हमारे पास है ना, शो डैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म ए वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये फॉर्म मतलब बनाते हैं वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाले जो वेक्टर्स है। अब ये ध्यान में रखना कि मान लो यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान में रखना ये बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, मान लो ऐसा कुछ यहां पे कुछ है ए बी सी। अब ये वेक्टर ऐसे नहीं है, ध्यान से सुनो, हाँ कई बच्चे ये सोच रहे यार ये वेक्टर, ये वाला ये वेक्टर है, ये वाला ये वेक्टर है 2i cap minus j cap plus k cap, और ये वाला वेक्टर ये है, ये नहीं है, दीज आर नॉट दीज वेक्टर, ये एबी वेक्टर नहीं है, ध्यान में रखना, दिस इज नॉट अ वेक्टर एबी, दिस इज नॉट अ बीसी, दिस इज नॉट अ बीसी, कीप दिस इन माइंड। हमें कैसे पता चला, उसने ये बोला ना यार दीज वेक्टर्स फॉर्म, दीज वेक्टर्स फॉर्म वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, शो करना है। तो मैंने सोचा यार यहां पे ना कोई ऐसा रहा होगा, ये देखो ये पोजिशन वैक्टर है ओ ए, ये ओ बी, मान लो ये ओ है, ये ओ बी है, ये क्या है ओ सी है, ऐसे है ये ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये है वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर ये है 2i cap minus j cap plus k cap। अब ये कैसे बना होगा, ओरिजिन से जो 0 0 0 है, ओरिजिन से क्या है ये 0 0 0, तो ओ ए वेक्टर कैसे बना, इसका मतलब इसके ये 0 0 है, तो ये इसके क्या हो गए वर्टिसेस हो गए 2 − 1 and 1, ये इसके क्या है वर्टिसेस है, मेरी बात समझो फिर मैं ध्यान से, ये ओ ए पोजिशन वैक्टर दिया हुआ था, दीज आर द वट पोजिशन वैक्टर्स, दीज आर वट पोजिशन वैक्टर्स, क्योंकि ये वर्टिसेस है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, बात को समझो ध्यान से, ये क्या है, अगर देखो अब ये पोजिशन वेक्टर रहा होगा ओ ए, तो ये कैसे आया होगा x2 − x1 करके, y2 − y1, z2 − z1 करके, तो ये 0 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गए 2 − 1 1, और b के क्या हो गए ये, इसको b मान लो आप, किसी को भी 1 − 3, इसको रब कर दो थोड़ा b, ये क्या हो गया 1 − 3 − 5, ये वर्ट c के क्या हो गया अब 3 − 4 − 4, ये आ गए ये वर्टिसेस है इसके। अब ये जरूरी नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल है, अब तो निकालना है मुझे, तो शो करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करोगे, अब फिर वही बात, पहले ए बी वेक्टर निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो, ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये समझ आई ना, ये क्या है पोजिशन वैक्टर्स है, दीज आर द पोजिशन वैक्टर्स, किसके इन वर्टिसेस के,
ओ ए ओ बी एंड ओ सी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टू आई टू माइनस वन वन, ये वन माइनस थ्री माइनस फाइव, और ये इसके मैंने क्या ले लिया, वर्टिसेस ले लिए। अब क्या करोगे, अब लिख दो वहां पे कि दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स फॉर द वर्टिसेस ऑफ ए आर दिस बी दिस एंड सी दिस। क्यों, क्योंकि ओ क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन था ठीक है, तो ये वेक्टर क्या रहा होगा, ओ ए, ये वेक्टर दे दिया, ये कैसे बना, वही फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, ए बी वेक्टर निकाला मैंने, क्या निकाला ए बी, अब देखो ध्यान से, ए बी वेक्टर निकालना, ए बी, ए बी तो ये क्या करोगे, ए बी एक्स टू वन माइनस टू, वन माइनस टू क्या हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस आई कैप प्लस ए बी ले रहा हूं ना, माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू जे कैप प्लस माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स, माइनस सिक्स के कैप है ना। अब इस तरह यहीं पे लग दे आप, वो कर दो क्या, मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जी, वन का स्केयर वन प्लस टू का स्केयर फोर प्लस सिक्स का स्केयर थर्टी सिक्स, तो ये क्या हो गया जी, अंडरूट फोर्टी वन हो गया, अंडरूट क्या हो गया, फोर्टी वन है ना। अब बी सी निकाल दो, बी सी, बी सी निकालोगे तो थ्री माइनस वन टू आई कैप प्लस माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री हो जाएगा माइनस जे कैप, यहां पे देखो माइनस फोर, माइनस फोर प्लस फाइव, माइनस फोर प्लस फाइव प्लस के कैप इज इक्वल टू अंडर रूट टू का स्केयर फोर प्लस वन प्लस वन, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट सिक्स आ गया जी, ये क्या आ गया, अंडर रूट सिक्स। अब एसी निकाल दो, एसी है ना, एसी क्या आ जाएगा, थ्री माइनस टू आई कैप एसी माइनस फोर प्लस वन, माइनस फोर प्लस वन माइनस प्लस थ्री, माइनस थ्री आ जाएगा, थ्री जे क्या प्लस माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव आ जाएगा, माइनस फाइव के क्या इज इक्वल टू है ना, क्या हो रहा भाई, ये ठीक तो है, यस ठीक चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका ये निकाल दो, ये क्या हो जाएगा, वन का स्केयर वन प्लस थ्री का स्केयर नाइन प्लस फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव, तो ये कितना हो गया, पच्चीस और एक पच्चीस और दस थर्टी नाइन हो जाएगा, ये थर्टी नाइन ही हो गया ना, ये पच्चीस और थर्टी नाइन हो गया ना। अब ये देखना आपने कि ये क्या होगा, कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। हाइपोटेन्यूज किसको होता है, ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा इनमें से कौन है, फोर्टी वन, तो अंडर रूट फोर्टी वन कर दो, फोर्टी वन का स्केयर इज इक्वल टू पी कितना है, एक इसको एक को पी ले लो एक को बी ले लो, तो अंडर रूट सिक्स का स्केयर प्लस अंडर रूट थर्टी नाइन का स्केयर ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोर्टी वन का स्केयर क्या हो जाएगा, फोर्टी वन अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस थर्टी नाइन, तो यही आएगा, ये थर्टी वन नहीं आना था ये, और ये कहां पे गलती कर दी मैंने, फोर्टी वन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव आ रहा है, ये तो नहीं आएगा ऐसे तो ना, लेकिन ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो देखो कहां पे मिस्टेक किया मैंने, कौन से मेन मिस्टेक किया है, ये चेक कर लो जरा भैया, ये चेक कर लो, ये चेक कर लेते हैं एक बार, यहां पे गड़बड़ लग रही है मेरे को कोई है ना, ये वन का स्केयर वन है, थ्री का स्केयर नाइन, ये एसी दोबारा ढूंढता हूं, एसी जरा मैं वेक्टर दोबारा निकाल लू ना, एसी थ्री माइनस टू वन आ गया, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस फोर माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा ना, ये थ्री आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस फोर माइनस फोर माइनस वन, फाइव का स्केयर ही आएगा, पच्चीस और एक छब्बीस, अरे ये प्लस मैं गलत कर रहा हूँ यार, ट्वेंटी फाइव और वन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव आएगा यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल थर्टी फाइव, अरे ये सब गलत कर दिया था मैंने, थर्टी फाइव आ रहा है ठीक है।
35 तो यहाँ पे क्या गया, 35 आ गया, 35 दस गया 35 आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा 41, ठीक है। अरे इतनी बड़ी गलती कर दी, 25 और 10 35 होना था, मैंने 39 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको ध्यान से देखना, उसने ये बोला था कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए, उसने ये बोला था ना, शो दैट द वेक्टर्स दिस 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 एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। वर्टिसेस तो वो पोजिशन वैक्टर थे, दैट वर व्हाट पोजिशन वैक्टर्स, और पोजिशन वैक्टर से फिर मैंने ये वर्टिसेस थे ओ ए ओ बी ओ सी, तो फिर मैंने ये ट्रायंगल बनाया है ना, उसके मैंने ये वर्टिसेस लिख दिया, फिर ए बी निकाला, फिर बी सी, फिर ए सी निकाला, उसके बाद वेक्टर्स निकालना, इस बात को गौर करना है ना। तो नोट इट डाउन है ना, नोट करो इसको। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है, 10.3 का लास्ट सम। इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, वो ये क्या कह रहा है, ए इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, ठीक है, एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है, देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, इफ लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर। ये देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इजिकल टू 1 होगा, तभी ये यूनिट वेक्टर बनेगा ना। उसने बोला ना लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो बोलो ये क्या है, लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ, ये यूनिट वेक्टर कब होगा, लैम्डा ए मान लो ये मैंने लिख दिया, ये यूनिट वेक्टर कब होगा, ये यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो ये लैम्डा मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ये ऐसे वी कैन राइट लाइक दिस वे लाइक दिस 1 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मैंने ऑप्शन देखनी है ना, कौन सी ऑप्शन दी है लैम्डा की है ना, तो ये आएगा, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/λ, 1/λ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ए, तो यहाँ पे ये देखो ये किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 1/λ, ये आंसर आ सकता है इसका ना, और तो कोई आंसर आ नहीं सकता, अगर ए ए के रूप में मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे नहीं रखा, ए इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा डी पार्ट आ जाएगा बस, ये आप देख लो ए इज इक्वल टू 1/λ, तो डी आंसर होना चाहिए इसका, जी डी वाला आंसर, ठीक है, डी आप चेक कर लेना, ये होगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड ए है, अब लैम्डा ए को यूनिट वेक्टर करा होगा इफ, तो लैम्डा ए इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दिया मैंने, तो लैम्डा बाहर निकाल दिया, ये आ गया इज इक्वल टू 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1/λ, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, इसकी जगह पे ए आ गया, ए इज इक्वल टू 1/λ, ये डी ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थी 10.3 एक्सरसाइज, इसके बाद हम करेंगे, ये थी स्केलर प्रोडक्ट, अब इसके बाद क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो होप आपको ये समझ आया होगा, वीडियो पूरी देखो, और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो कि सर मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिमूव आपकी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एक बार बेटा जिसको समझ आ गया वो लिख के जरूर भेजा करो कि आई अंडरस्टूड सर है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।